Hey guys, मैं हूँ सऊद और आप देख रहे हैं नथिंग बट किचन। आज हम बनाने वाले हैं चिकन फ्राइड राइस। इसको कैसे बनाना है चलिए देखते हैं। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम चिकन को करेंगे मैरिनेट। यहाँ पे मैं 200 ग्राम बोनलेस चिकन ले रहा हूँ, उसकी मैंने छोटी छोटी पीसेस कर ली है। अब मैं इसमें ऐड करूंगा 2 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। इसमें ऐड करेंगे नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट, 1/2 चम्मच काले मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच सोया सॉस, 1 अंडा। ऐड करेंगे 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, एक चम्मच मैदा। इन सबको मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद यहां पे 1 चम्मच में डाल रहा हूं विनेगर और 1 चम्मच कुकिंग ऑयल। इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे। अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको आधे घंटे के लिए मैरिनेशन के लिए रख दीजिएगा, अगर टाइम नहीं है तो आप फटाफट से फ्राई कर सकते हैं। अब चलिए हम चिकन को कर लेते हैं फ्राई। देखिए चिकन को फ्राई करना स्टार्ट कर दिया हमने मीडियम फ्लेम पे। एक साइड से हो गया तो इसको टर्न कर दिया। अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने के बाद हम चिकन को निकाल के साइड रख देंगे। चलिए अब बनाते हैं फ्राइड राइस। फ्राइड राइस बनाने के लिए मैंने यहाँ लोखंड की कढ़ाई ली है, उसमें डाले 2 चम्मच तेल और उसमें डाले 2 अंडे। अंडे को फ्राई करेंगे। साइड से जो तेल डालने का लॉजिक ये है कि चाइनीज कुकिंग वो हाई फ्लेम पे होती है और साइड से तेल डालने पे जल्दी तेल हीट हो जाता है। और सारी वेजीज को मैंने यहाँ पे बारीकली चॉप किया हुआ है बहुत फाइन, ताकि वेजीज जो हो वो जल्दी पक जाए। अंडा फ्राई होने के बाद ऐड करेंगे चॉप किए हुए बीन्स। हमने सारी सब्जीज को बहुत अच्छी तरीके से फाइन चॉप कर लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटे हुए गाजर, बारीक कटे हुए स्प्रिंग अनियन का व्हाइट पार्ट। अब इसमें ऐड करेंगे 2 कटे हुए हरी मिर्च। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज्यादा कर सकते हैं। इन सारी वेजीज को हाई फ्लेम पे 30 से 40 सेकंड के लिए अच्छे से कर लेंगे सौते। ये देखिए वेजीज अच्छे से सौते हो चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे अपने फ्राई किए हुए चिकन। इसको भी अच्छे से इसमें मिक्स करके 30 से 40 सेकंड के लिए कुक कर लेते हैं। चाइनीज कुकिंग जो भी होती है वो हाई फ्लेम पे होती है, उसका टेस्ट उससे ही आता है। इसमें ऐड कर रहा हूँ 200 ग्राम तक बॉइल्ड राइस। इसको बॉइल करते टाइम मैंने इसमें 1/2 नींबू और थोड़ा सा नमक डालकर बॉइल किया है और इसको छानकर प्लेट में फैला के फैन के नीचे रखकर थोड़ा सा ड्राई कर लिया है। ऐसा करने से चावल अलग अलग रहते हैं, आपस में चिपकते नहीं। अब इसमें मैं डाल रहा हूँ 2 चम्मच सोया सॉस, 2 चम्मच रेड चिली सॉस। आपको अगर ज्यादा तीखा पसंद है तो आप थोड़ा और बढ़ा सकते हैं। ऐड करेंगे 2 चम्मच सेजवान चटनी, 1 चम्मच काले मिर्च का पाउडर, नमक अकॉर्डिंग टू टेस्ट और 2 चम्मच विनेगर। इन सबको 1 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे अच्छे से कुक करना है, बिना हाथ को रोके हुए कंटिन्यूअसली आपको चलाते रहना है, नहीं तो आपका राइस जल सकता है और डिश आपकी खराब हो जाएगी। मैंने यहाँ पे अजीनोमोटो का इस्तेमाल नहीं किया है, वो बिल्कुल आपके हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। तो मार्केट में आपको जो टेस्ट आता है चाइनीज का वो अजीनोमोटो डालते हैं वहां पे, तो आप इसको अवॉइड करिएगा। ये देखिए चिकन फ्राइड राइस बनके रेडी है। चलिए इसकी कर लेते हैं प्लेटिंग। इसको मैं गार्निश कर रहा हूँ कटे हुए स्प्रिंग अनियन से। ट्रस्ट मी गाइस, ये बहुत ही डिलीशियस चिकन फ्राइड राइस बनके रेडी है। आप इसको जरूर ट्राई करिएगा और अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये बिल्कुल फ्री है, इसका कोई भी चार्जेस नहीं है। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। बाय।